नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। और आइए सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। लड्डू गोपाल की जय, खाटू नरेश की जय। ठाकुर जी के दर्शन के बाद अभी फिलहाल मैं रेडी हूँ। कुछ ही देर में पापा और मैं निकलने वाले हैं खेत के लिए, क्योंकि खेत पर गेहूं की फसल लगाई गई है और शिप्रा से जिसमें पानी दिया जाता था, तो शिप्रा में भी पानी बंद हो चुका है। तो लास्ट पानी देना है अभी गेहूं को, तो हम निकलेंगे कुछ ही देर में पापा और हम दोनों यहाँ से एक मोटर लेके, जो कि हमारे खेत के समीप में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ पर रख के और उसके द्वारा गेहूँ में पानी छोड़ेंगे। तो बस मैं रेडी हूँ और पापा भी तैयार हो रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम हमारी कार से निकलेंगे, मोटर लेकर यहाँ से खेत के लिए रवाना होंगे। वहाँ जाकर फिर हम आज पानी छोड़ेंगे गेहूँ में जाकर। तो आइए हम आपको हमारे साथ में खेत पे ले चलेंगे हमारे, और खेत भी दिखाएंगे हमारा, और वहाँ का जो कार्य है वो भी हम देखते हैं किस प्रकार से होता है। नहीं, वो पहला को भी इसका लो एक बार लगाया था तो खैर, नहीं तो और अभी पहुंच चुके हैं खेत पे, और आज मम्मी ने भी बोला कि हम मैं भी साथ में चलूंगी। आज बहुत दिन हो गए थे तो मम्मी भी साथ में आए हुए हैं, पीछे चल रहे मेरे, और हम खेत पे आ गए हैं। ये साइड में खेत है हमारा जिसमें पूरे में गेहूं लगाए हुए। आइए हम आपको हमारा गेहूं दिखाते हैं। ये हमारा गेहूं का खेत है जिसको हमने आपको एक बार दिखाया था पहले, जब छोटे गेहूं थे तब आए थे। ये गेहूं इतने बड़े हो गए, ये आखिरी पानी है इनमें। ये देखिए गेहूं की बालियां भी काफी बड़ी बड़ी है। अभी फिलहाल उधर नीचे चलना है, नीचे की साइड में ये नाला है, ये इसमें पानी भरा हुआ, उसमें डालेंगे मोटर और चलाएंगे पानी। फिर और ये गेहूं के खेत के अंदर बीच में खड़ा हूँ मैं भी। और ये रहा वो पानी का गड्ढा जिसमें भी हम मोटर डालेंगे, पापा और वो हमारे एक भाई साहब है जो यहाँ पर संभालते हैं खेत, पानी यानी पिलाते हैं गेहूँ में। वो गए हुए पापा के साथ मोटर लेने, और मैं मम्मी के साथ खेत पे आ गया हूँ। इस गड्ढे में डालेंगे अभी हम मोटर और यहाँ का पूरा पानी सींचेंगे खेत में। तो कीचड़ ज़्यादा है, मटला तो माँ विजय का खेत खूब खाया हमने। रही बोई होगी स्पेशल में, ये इतो टुकड़ो इन्होंने बाद में फाड़ लिया नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो खेत खाली, इतो ये कांकड़ फाड़ लिया। और ये इधर पापा और अनिल भी आ चुके हैं मोटर लेके, सामने आ रही है हमारी मोटर, पहले ही तेरी डालेंगे इसी गड्ढे में। और मोटर पाइप सब आने के बाद अब अनिल भी हमारे कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे वायर लंबे कर दिए हमने, कनेक्शन कर रहे हैं। ये हमारी मोटर और पाइप रखे हुए हैं यहाँ पे, इधर की भी फैला रखी है, और ये कनेक्शन करने के बाद फिर हम मोटर को डालेंगे डायरेक्ट, बिना होकर लगोगा यो कटआउट का बिना।
और ये रही हमारी मोटर, इसमें पाइप कनेक्शन करेंगे अभी हम। मोटर हमारी पानी में डाल दी है और पाइप का कनेक्शन कर रहे हैं। थोड़ी सी हमारी जो पाइप है वो फटा हुआ है, तो उसको काटने के लिए मैं देसी हथियार दराता लेके आया हूँ। इससे मैं पाइप काटूँगा और उसके बाद फिर आगे कनेक्शन करेंगे। सारे कनेक्शंस डन हो चुके हैं, पूरा पाइप हमने फैला दिया पूरे खेत में, और अब बस लाइट आ जाए तो हम मोटर चालू करेंगे और फिर पानी छोड़ेंगे। फिर देखते हैं कितने समय में गड्ढा खाली होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट गड्ढे में डालेंगे और आज दिन भर यहीं पर खेती करेंगे। हाँ, एक फुर्सती मक्सलो आ गई हमारी सामने से, घर का ले लीजिए, गाइड और का ले, बकरा पकड़े और कहीं। और ये देखिए खेत में पानी हो चुका है चालू, गेहूं पानी चलने लग गया, और ये हमारे अनिल भैया फावड़ा लेके तैयार हो चुके हैं नाके बांधने के लिए। चलो बांध दो भैया। जो हमने पनडुब्बी गड्ढे में डाली वो तो चल ही रही है, जिसका पानी खेत में जा रहा है देखिए चल रही है, और उसके साथ में एक पाइप इधर से हमने फैला के रखा हुआ है। ये पाइपलाइन से लगा हुआ है जो कि शिप्रा नदी में जो मोटर डली हुई है हमारी उससे पानी आता है इसके अंदर। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से शिप्रा नदी के पास, वहाँ से फिर हम चालू करके आएंगे इसका पानी। और मैं भी पहुंच चुका हूं शिप्रा नदी के किनारे पे, जहाँ हमारी मोटर लगी हुई है, पानी बहुत छोड़ी रखा है आज, पानी अच्छा छोड़ी हुई है। म्याड़ी से है रस्तो, ये वहीं कहीं धसी हो जाए तो बरसात को। और ये आइए मैं चलता हूँ आपको शिप्रा के दर्शन करवाते हैं। ये हमारी पाइपलाइन जो आई हुई है और ये गई शिप्रा में, और ये देखिए शिप्रा में नर्मदा जी का पानी जो आता हुआ है। ये हमारे खेत से 1000 फीट की दूरी पर है, यहाँ पर ये शिप्रा में इतना पानी आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी छोटा स्वरूप है एक नाले के बराबर शिप्रा का, और आगे जाते आते महाकाल तक काफ़ी बड़ी हो चुकी है। यहाँ की मोटर चालू कर दी है और अब वापस जाएंगे खेत पे और देखते हैं वहाँ पानी पहुँच चुका होगा गड्ढे में यहाँ का, और फिर सब दूर का पानी हम डालेंगे खेत में। वापस जा रहे हैं हम खेत पे, और ये हमारे गड्ढे में आ चुका है वहाँ शिप्रा से पानी। चलो ये मोटर है, आज और कल 2 दिन में हमारा खेत पूरा पी जाएगा और गड्ढे में पानी की कमी भी नहीं आएगी।
जी शिप्रा महारानी से पानी आ चुका है और आज पानी तेज छोड़ दिया थोड़ा उधर, तो समस्या भी नहीं आएगी। अब पानी चल रहा है खेत में और हम बैठे हुए हैं मम्मी और मैं दोनों यहाँ पे फ्री एयर पे, और हमारे अनिल भैया गए हैं खाना खाने। तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि शिप्रा में पानी की कमी आ गई है, पानी कम छोड़ रहे हैं, तो समस्या आ रही थी चलाने में, इसलिए हमने गड्ढे से पानी खेत में पिलाने के लिए मोटर वोटर रखी। और जब देखने गए थे शिप्रा पे तो वहाँ पानी अच्छा खासा छोड़ रखा था आज, इसलिए हमने उसमें से भी मोटर चालू कर दी गड्ढे में, ताकि ये गड्ढा खाली नहीं हो और दूसरे गड्ढे में हमको वापस मोटर को इधर से उधर करने की ज़बरदस्ती की मेहनत नहीं करनी पड़े। तो अब हमारी एक मेहनत तो ये बच गई और दूसरा ये कि पानी ख़त्म नहीं होगा, तो फटाफट से पानी भी मिल जाएगा गेहूँ को और ये आखिरी पानी हो जाएगा। फिर कल ये सब सामान यहाँ से समेट के और मोटर वोटर सब समेट के वापस मोटर वोटर सब लेके रवाना हो जाएंगे। तो बस बाकी अभी बैठे हैं फुर्सत में, हम देखो मम्मी भी बैठे पास में, मम्मी बोर हो रहे हैं बैठे बैठे कि कोई काम नहीं, उनको कुछ करने नहीं दे रहे खेत में, इसलिए। राजस्थान का जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र में घूमते हुए ऊँट पे बैठी हूँ, पटकी देवो को जाकर। अभी पापा आ चुके हैं, गए हुए थे गांव यहाँ से, तो वो रिटर्न आ चुके हैं और घर में झाड़ू निकालने के लिए, जो रोड इनको सोनने के लिए झाड़ू आती है, वो बनाने के लिए खजूर से जो उसके खोड़ी होते हैं वो काट रहे हैं, उससे बनाएंगे झाड़ू। ये देखिए में घर आ चुका हूँ खेत पे से, और रास्ते में चने की दुकान दिख गई थी, वहां से हमने कुछ चने लिए थोड़े से, तो अभी हम चने तोड़ रहे हैं इसमें से, और खेत का काम लगभग निपट गया है। तो आजकल में जब भी ख़त्म हो जाएगा कॉल आ जाएगा तो फिर हम वहाँ जाके वहाँ से मोटर और सब सामान लेके आ जाएंगे, और फिलहाल थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, फिर आगे चलते हैं। साथ ही अभी खाना खा के और बैठा हुआ हूँ मैं फ्री, अब करेंगे हम विश्राम। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे, और आशा करते हैं आपको हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद आएंगे। तो हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बी सपोर्ट एंड लाइक माय वीडियोज़। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री श्याम।